आज दिनांक 26/6/2018 को मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार झा द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक चित्रकूट में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी गणों को संकल्प और शपथ दिलाई गई तथा अधिकारी कर्मचारी गणों को नशीले पदार्थों का सेवन न करने हेतु निर्देशित किया गया तथा नशे की लत को समाप्त कर स्वस्थ समाज की रचना करने में आगे रहेंगे। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री बलवंत चौधरी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शिव बच्चन सिंह, क्षेत्राधिकारी ऑफिस श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री विजेंद्र त्रिवेदी, वाचक पुलिस अधीक्षक, प्रधान लिपिक कार्यालय पुलिस अधीक्षक तथा कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारीगण कर्मचारी उपस्थित रहे। आज के दिन हम आज दिनांक 26/6/2018 को मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री मनोज कुमार झा द्वारा आम जनमानस सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है वह ब्यूरो रिपोर्ट दिनेश सिंह कुशवाहा जिला संवाददाता बांदा जाता है उत्तर प्रदेश से पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्वों का पूर्ण ढंग से पालन नहीं कर पाता है। अतः यह आवश्यक है कि हम किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग न करें। जो लोग इस तरह नशीले पदार्थों का व्यापार करते हैं, अवैध व्यापार में लिप्त हैं, इनको पकड़वाने में सहयोग करें। जो व्यक्ति इस तरह का सहयोग करेंगे निश्चित रूप से वो एक राष्ट्रीय कर्तव्य को पूर्ण करेंगे। अतः मैं पुनः आप सभी को आज अपील करता हूँ कि इस संकल्प दिवस पे आप सभी लोग सहयोग करें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर इसका विरोध करें। धन्यवाद।